हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 168 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वन थिक वुलन ब्लैंकेट इज लेस वार्मर देन टू वुलन ब्लैंकेट्स जॉइंट टूगेदर टू सेम थिकनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द अबव फिनोमेना। तो एक अगर पतला ब्लैंकेट जो होता है वो कम गर्म होता है बजाय दो सेम पतले ब्लैंकेट अगर एक साथ आदमी यूज़ करे तो ये ऐसा क्यों होता है, आपको रीज़न बताना है कि मतलब क्या है ऐसा कि एक थिक में नहीं होता है, दो थिक में ज़्यादा वार्मर होता है। तो इसका सही आंसर है सी, एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टू ब्लैंकेट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी दो ब्लैंकेट्स के बीच में जो एयर फंस जाती है उनको बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट दैट इज मिबोर रेफर्स टू। अगर भारतीय मुद्रा मार्केट के बारे में बात करें, मुद्रा बाजार के बारे में, तो उसमें एक शब्द काफ़ी फेमस है मिबोर करके, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। तो ये क्या है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है डी, द रेट एट विच बैंक्स आर विलिंग टू लेंड मनी टू द अदर बैंक। साफ नाम में दिया है इंटर बैंक ऑफर है, तो जाहिर सी बात है एक बैंक दूसरे बैंक को जिस रेट पे लोन देगा तो वो रेट है जो कि मिबोर डिसाइड करता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर वॉज अवॉर्ड ट्राइड फॉर द ऑफेंसेज ऑफ सेडिशन फॉर देयर राइटिंग्स इन द प्रेस। तो तीन अलग अलग जो उस समय के हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उनके नाम दे रखे आपको बताना है, किनको सेडिशन चार्ज के लिए जो उन्होंने प्रेस में लिखा था तो उसके लिए उनको सेडिशन चार्ज में अंदर किया गया था। आपके ऑप्शन है पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है महात्मा गांधी और तीसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। तो उसका सही आंसर है बी, वन एंड टू, सिर्फ बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी को ही सेडिशन के चार्ज में अरेस्ट किया गया था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर, विद रेफरेंस टू द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दैट इज आर्टिकल 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 16 के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रेस रिलीजन कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि ये उन सभी भेदभाव को यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को जो कि किसी रेस को लेके हो रही हो, धर्म को लेके हो रहा हो, जाति को लेके हो रहा हो, मेल या फीमेल लेके हो रहा हो, या फिर किसी जगह स्थान पर जन्म लेने को लेके हो रहा हो, तो इन सभी को वो मना करता है। सेकेंड है, पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर अ सर्टन एम्प्लॉयमेंट इन अ स्टेट और यूटी, यानी पार्लियामेंट ने कुछ रेसिडेंस को कंडीशन दिया है किसी एम्प्लॉयमेंट में, या चाहे वो राज्य में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, तो उस तरीके की एम्प्लॉयमेंट को लेके भी ये प्रेस्क्राइब करता है। थर्ड है, अ लॉ प्रोवाइडिंग दैट एन इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस शुड बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन वायलेट्स आर्टिकल 16। तो लॉ में उन सभी ऑफिसर्स को जो किसी धर्म के प्रचार के लिए हो, किसी धर्म से जुड़े हों और किसी पर्टिकुलर धर्म को ही मतलब वो जॉब दे रहा हो तो रिलीजियस वायलेशन होता है और ये आर्टिकल 16 में को ये इसी तरह से वायलेट करता है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, टू ओनली, सिर्फ सेकंड वाला सही है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। जो इसमें ग्राउंड है डिस्क्रिमिनेशन का वो प्रोहिबिटेड है, रेस रिलीजन कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके अलावा दो और है, एक डिसेंट है और एक हमारा रेसिडेंस है। प्लेस ऑफ बर्थ के साथ रेसिडेंस भी दिया हुआ, जैसे बिहार और महाराष्ट्र को लेके होता है हमेशा, या फिर बिहारी और दिल्ली हाइट्स को लेके हमेशा होता है, तो वो होता है रेसिडेंट या प्लेस से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन। वहीं डिसेंट होता है कि किसी पुश्तैनी मतलब कोई बाबा से एंसेस्टर से रिलेटेड हो बेसिकली, तो उस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को ये बैन करता है।
तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिवर ब्यास। ब्यास नदी के संदर्भ में चार स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्यास कुंड नियर द रोहतांग पास, यानी ब्यास कुंड से निकलता है रोहतांग पास के करीब से। सेकंड है, इट इज वन ऑफ द 5 रिवर ऑफ द पंचनाद। तो जो पंचनाद बोलते हैं, जो पंजाब पांच नदियों से बोलते हैं कि उनके जो पंजाब नाम है पांच नदियों के बेसिस पर रखा गया है। तो अगर उसकी बात करें तो उन पांच नदियों में से एक नदी ब्यास भी है। थर्ड है, पोंग रिजर्वायर इज बिल्ट ओवर द रिवर, यानी पोंग एक रिजर्वायर है जो कि इस नदी पे बनाई गई है। और फोर्थ है हमारा, इट मीट्स द सतलज नियर हरिके, तो इस सतलज को हरिके बैराज के पास मिलता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों ही सही है। जो पोंग रिजर्वायर है, इनको महाराणा प्रताप रिजर्वायर, दोनों डैम इस पे ही है। वेटलैंड जोन है शिवालिक का, इसको बोलते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वहीं ब्यास रिवर है जो पंजाब में इंटर करता है और सतलज नदी में जाके हरिके के पास मिल जाता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग, एक तरफ पेनिनसुला एक तरफ कंट्री है। पेनिनसुला पहला है, सबसे पहला इबेरियन, कंट्री है इटली। सेकंड है सिनई, कंट्री इजिप्ट। थर्ड है कमचटका, ये आपका रसिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। तो इसका सही आंसर है टू एंड थ्री, यानी सिर्फ सेकंड और थर्ड सही है, पहला वाला गलत है। इबेरियन पेनिनसुला ये इटली में नहीं बल्कि पोर्चुगल में है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रपोजल ऑफ क्रिस्प मिशन वर डिफरेंट फ्रॉम द ऑफर्ड बिफोर इट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो जो क्रिस्प मिशन में जो प्रपोजल दिए गए थे इंडियंस को, तो वो इससे पहले जितने प्रपोजल दिए गए थे उनसे किस तरह से अलग है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, इट वॉज द फर्स्ट प्रपोजल विच प्रोवाइडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टू बी फ्रेम्ड सोनली बाई इंडियंस, यानी पहली बार इसमें बात की गई थी कि जो संविधान बनाया जाएगा भारत के लिए वो भारतीय द्वारा ही बनाया जाएगा। सेकंड है, इट लेड डाउन अ कंक्रीट प्लान फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कंक्रीट प्लान दिया था कि कौन कौन लोग शामिल होंगे और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करेगा। थर्ड है, इट अलाउड फ्री इंडिया टू विड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, तो इसने इंडिया को फ्री किया था कॉमनवेल्थ से, मतलब कॉमनवेल्थ से विड्रॉ करने के लिए बात कही थी, इसने अलाउ किया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही सही हैं। ये तीनों एकदम अलग थे, जो पहले ऑफर किया गया था किसी अलग दर प्रपोजल, अगस्त ऑफर की बात करें तो उन सब से ये एकदम अलग था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो भिन्न भिन्न राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट डिसाइड्स द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी किसी राज्य में अगर उसका ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड करना हो तो गवर्नर करता है। सेकेंड, चॉइस ऑफ द स्टेट फॉर इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू द लैंग्वेज एम्यूनरेटेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी राज्य में अगर उनको अपने राज्य भाषा चुननी हो तो शेड्यूल 8 में जो जो लैंग्वेज दे रखे हैं उनको उन्हीं में से चूज करने होंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों ही सही है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डिफरेंट स्टेट, हमारे संविधान में किसी भी तरीके का स्टेट्स के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके लिए डिस्क्राइब नहीं किया गया है। द चॉइस ऑफ द स्टेट इज नॉट लिमिटेड टू द लैंग्वेज, और राज्यों के पास ऐसा नहीं है कि जो शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेज दे रखे हैं, जो 22 हमारे लैंग्वेज है, तो उनमें से चूज करना होगा, जरूरी नहीं है, वो किसी लैंग्वेज को भी अपना स्टेट लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सिस्टम दैट सोर्स डिटेक्ट एंड कंट्रोल लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन दिस फील्ड।
तो एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक है जिसकी जो स्टडी की जाती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सिस्टम्स की स्टडी की जाती है, जो कि किसी भी सोर्स या डिटेक्ट या लाइट्स को कंट्रोल करती हैं। तो जो उसमें मटेरियल कॉमनली यूज होते हैं इस फील्ड में, आपको बताना कौन कौन सा, मतलब कौन सा वो मटेरियल है जो कि कॉमनली इस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका सही आंसर है ए, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। तो चार अलग अलग किंगडम्स के बारे में जो उस समय के जो साम्राज्य थे राजाओं के, तो उसके बारे में दिया गया। आपको बताना है कौन सा साम्राज्य बुद्धा के जीवनी से जुड़ा हुआ है। पहला है अवंती, दूसरा गांधारा, थर्ड है कोसाला और फोर्थ है मगधा। तो इसका सही आंसर है डी, थ्री एंड फोर ओनली, सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ यानी कि कोसाला और मगधा ही बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। रासवाल गंधारा का तो गंधारा नहीं था, गंधारा में भले जो ग्रीक और रोमन जो सिंथेटिक आर्ट बोलते हैं इसको, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्ध से जुड़ा हुआ है, लेकिन बुद्ध कभी उतना दूर गए नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 167 था हमारा, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था, अ प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ फंडर गोज टू प्रेसिडेंट टू अपील अगेंस्ट द सेंटेंस अवार्डेड टू हर बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक गर्भवती महिला जिसको जिसने कोई गुनाह किया हुआ है तो उसको एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंटेंस किया गया यानी कि उसको फांसी की सजा दी गई है, तो उसको उससे रिलेटेड वो राष्ट्रपति के पास अपील के लिए जाती है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ग्रांट हर लेसर सेंटेंस देन द वन ओरिजिनली इज प्लेस। तो जो राष्ट्रपति हैं तो उन्होंने उसको एक कम थोड़ी कम सजा दी है, जो ओरिजिनली दी गई थी उससे थोड़ी कम कर दी गई है। द फॉलोइंग केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो चार अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो आपको बताना कि किस पार्डनिंग पावर जो माफी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, तो इसका सही आंसर है सी, रेस्पाइट। रेस्पाइट के मदद से ये होगा। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 168 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल मिला था हमें मिनिएचर पेंटिंग है, जो छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, तो वो किससे था, किससे जुड़ा था आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए, मुगल पेंटिंग, बी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफ पालास, सी, राजस्थानी पेंटिंग या डी, गुप्ता पेंटिंग। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।